हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई पर्सन LIC एजेंसी लेते हैं, LIC में एजेंट्स अच्छा बिजनेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए LIC में कई क्लब मेंबरशिप रखी गई हैं। इन क्लब मेंबरशिप से एजेंट की पावर तो बढ़ती है, साथ ही में उसकी ब्रांच में वैल्यू भी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ उस क्लब मेंबरशिप को अचीव करने वाले एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और हर क्लब मेंबरशिप पाने के लिए एजेंट को बीमा के अलग अलग टारगेट पाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, LIC में जो क्लब मेंबरशिप होती है वो इस प्रकार है: डिस्टिंग्विश्ड क्लब, ब्रांच मैनेजर क्लब, डिविजनल मैनेजर क्लब, जोनल मैनेजर क्लब, चेयरमैन क्लब, गैलेक्सी क्लब और कॉर्पोरेट क्लब। ये 7 तरह के क्लब LIC में होते हैं। हर क्लब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और हर एक को अचीव करने के बाद मिलने वाले बेनिफिट भी अलग अलग होते हैं। हर क्लब के बारे में एक वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती है, इसलिए हमने हर क्लब मेंबरशिप के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो में उस क्लब मेंबरशिप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को लास्ट में मैं आपको लिंक के रूप में दे दूँगी और आप उसे क्लिक करके बाकी के क्लब मेंबरशिप की सारी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मई 2000 तक चेयरमैन क्लब के बाद हाईएस्ट क्लब कॉर्पोरेट क्लब का ही नाम आता था, पर चेयरमैन क्लब और कॉर्पोरेट क्लब की क्वालिफिकेशन में जो बड़ा डिफरेंस था, उससे एजेंट को कॉर्पोरेट क्लब को क्वालिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता था। इसीलिए मई 2014 के बाद LIC ने इन दो क्लब के बीच में एक नया क्लब इंट्रोड्यूस करा, जिसे गैलेक्सी क्लब का नाम दिया गया। गैलेक्सी क्लब की क्वालिफिकेशन लगभग MDRT की तरह ही है, इसलिए गैलेक्सी क्लब क्वालिफाई करने से एजेंट के MDRT बनने की राह भी आसान हो जाती है। जिस साल एजेंट क्लब मेंबर बनता है वह साल उसका मेंबरशिप कहलाता है और उसका नेक्स्ट ईयर क्वालिफाइंग ईयर होता है। गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप के लिए क्वालिफाइंग कमीशन क्राइटेरिया 10 लाख रुपये है और ये बिना बोनस ऐड किए ही होता है। और इसमें एक ख़ास बात कि आपको ध्यान रखना है कि लैप्सेशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्लब मेंबरशिप के भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑफिस अलाउंस आपको 1 लाख पर ईयर मिलता है, कंप्यूटर मेंटेनेंस अलाउंस आपको 5,000 रुपीज़ मिलता है, 500 एनवलप मिलते हैं, 500 विजिटिंग कार्ड्स मिलते हैं, 2,000 सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट मिलता है, स्टेशनरी अलाउंस आपको 1,750 मिलता है, 12,000 रुपीज़ आपको पर ईयर टेलीफोन एक्सपेंसिस के लिए मिलता है, 2 लाख रुपीज़ आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, 2 लाख रुपीज़ आपको मेडिक्लेम भी मिलता है और हाउसिंग लोन के लिए आपको 25 लाख रुपीज़ मिलता है, 10 लाख रुपीज़ आपको कार के लिए भी मिलते हैं, 20,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस में मिलता है, 60,500 सब्सिडी ऑफिस इक्विपमेंट के लिए आपको मिलती है, MHR की लिमिट आपको 60 लाख रुपीज़, कंप्यूटर एडवांस और ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस भी आपको इसमें प्रोवाइड होता है। चलिए कुछ और ख़ास बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो है क्लब कन्वेंशन। गैलेक्सी क्लब मेंबर्स को क्लब कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इस कन्वेंशन का प्लेस LIC डिसाइड करती है। इसमें 60,000 रुपीज़ तक का एयर फेयर यानी 60,000 रुपीज़ तक की हवाई यात्रा खर्च LIC देती है, जिससे आप MDRT इवेंट अटेंड कर सकते हैं। एक फ़ायदा और है कि इसमें LIC आपको 5,000 रुपीज़ तक का खास तरह का एक क्लब ब्लेज़र देती है, जो आपको एक अलग पहचान देता है। लोग आपके ब्लेज़र को देखकर पहचान जाते हैं कि आप गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप अचीव कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंने सारे फ़ायदे डिटेल्स में बताए हैं, तो आप के एडिशनल में भी मिल रहे हैं वो सारे फ़ायदे आपको मैं बता चुकी हूँ। बाकी आपके चेयरमैन क्लब के जो फ़ायदे आपको पहले मिले हैं वो सब इस क्लब मेंबरशिप में भी आपको मिलेंगे। तो CM क्लब मेंबर्स के क्या फ़ायदे हैं, इसमें वीडियो मैं आपको पहले ही बना चुकी हूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप इसके वीडियो के लास्ट के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक करके वीडियो पे जा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।